स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूँ ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। चक्रधरपुर में 2 करोड़ की लागत में बना पार्क 2 महीने में हुआ बदहाल। खरसमा विधायक दशरथ गागराई ने निर्माण कार्य पर उठाया सवाल। जेल जाने वाले चाईबासा के आंदोलनकारियों को विश्व हिंदू परिषद ने किया सम्मानित। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने 2000 लोगों के बीच किया मास्क का वितरण। कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। चक्रधरपुर रेल मंडल के रेलवे क्षेत्र के आरई कॉलोनी में बने महात्मा गांधी उद्यान के निर्माण को 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये पार्क बदहाल नजर आने लगा है। इस पार्क का उद्घाटन 1 जुलाई 2020 को रेल मंडल प्रबंधक विजय कुमार साहू द्वारा किया गया था। पार्क के निर्माण में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन 1.5-2 महीने में ही पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए बने रास्ते में लगाए गए पेवर्स ब्लॉक जगह जगह से टूट गए हैं। पार्क में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, जगह जगह जल जमाव भी है। इससे इस पार्क में व्यायाम और मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले रेलवे कर्मचारियों व अन्य लोगों को समस्या हो रही है। खरसवां के विधायक दशरथ गागराई भी इस पार्क में प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। उन्होंने 2 महीने में ही पार्क की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल खड़ा करते हुए इस योजना में ठेकेदारों और अन्य लोगों की मिलीभगत से राशि के बंदरबांट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल पूरे भारत में माल ढुलाई में राजस्व देने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पहले स्थान पर रहता है, वहीं कुछ लोगों के द्वारा सरकार के पैसे का बंदर बांट कर घटिया किस्म का सामान लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत DRM से मिलकर करूंगा। पार्क के पूर्वी शोर से अधिक जल जमाव हटाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने व पार्क की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी की तैनाती होनी चाहिए। रेलवे प्रशासन चक्रधरपुर ने जिस प्रकार से महात्मा गांधी पार्क बनाया है और इस पार्क का निर्माण में लगभग 2 करोड़ रुपया का लागत आई है, क्योंकि ये पार्क का निर्माण जो हुई है, निर्माण तो अब तक पूर्ण नहीं हुई है, पर निर्माण के 2 महीना बाद ही अगर इस पार्क को देखा जाए तो बिल्कुल खंड ये दिख रही है, क्योंकि यहाँ चक्रधरपुर एक डिवीज़न भी पड़ता है और चक्रधरपुर डिवीज़न राजस्व भी भारतीय रेल को काफ़ी देती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पैसे की जो बंदरबांट हुई है, निश्चित रूप से ये जांच का विषय बनती है। क्योंकि ये निर्माण पूर्ण होने से कुछ दिन में ये स्थिति बनी हुई है। अब अगर रेल प्रशासन का ध्यान इस महात्मा गांधी पार्क की ओर नहीं होती है तो लगभग ये और 2-3 महीना बाद ये पार्क में लोगों का आवागमन भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरे दीवार के किनारे किनारे 5 फीट का जो वॉकिंग रोड पेवर्स ब्लॉक के द्वारा बनाई गई है, गेट के पूरब छोर में जल जमाव हुए रहती है, पानी हमेशा वहाँ भरे रहती है, घास पूरा उग चुकी है, वहाँ चलने भी नहीं बनती है। क्योंकि मैं रेलवे प्रशासन से ये मांग रखूँगा, जो भी ये अधूरा कार्य जो अभी बाकी है उसको तत्काल पूरा कराने का काम करे, और काफ़ी यहाँ पैसा लगा हुआ है, इस पैसा का दुरुपयोग ना हो, ये सदुपयोग हो, ये मांग हम रेलवे प्रशासन से करते हैं। क्योंकि DRM साहब ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि चक्रधरपुर के वासियों के लिए ये महात्मा गांधी पार्क बनाया है, वॉकिंग डिस्टेंस का एक सड़क निर्माण करवाया है, क्योंकि उसको फिर से इस पार्क के बारे ध्यान देना चाहिए और जो भी काम अधूरा पड़ी हुई है उस काम को अविलंब पूरा करने का मांग मैं भी DRM से करता हूँ।
ऑनलाइन डिलीवरी ऐप ऑर्डर जी की लॉन्चिंग सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने की। इस ऐप के द्वारा चाईबासा, चलियामा और झिकपानी के लोग भोजन, राशन, फल, सब्जी और दूध का ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर जी ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस मौके पर अर्पित खरवाल, अविनाश खरवाल, पीयूष अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय मौजूद थे। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने सांसद प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति कर उनकी सूची जारी की है। सांसद प्रतिनिधियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाने से सभी सांसद प्रतिनिधियों ने सांसद के प्रति आभार जताया है। सांसद प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त होने वालों में जितेंद्र नाथ ओझा, त्रिशानु राय, प्रदीप विश्वकर्मा, सुनीता शर्मा, राकेश कुमार सिंह और विकास वर्मा शामिल हैं। प्रतिनियुक्त सांसद प्रतिनिधियों ने सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के द्वारा जनहित में जारी कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। पूर्व राज्यसभा सांसद और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती कांग्रेस भवन चाईबासा में मनाई गई। उनकी जयंती पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर नगर अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि उनका सपना था कि प्रत्येक गाँव में अखाड़ा हो और झारखण्ड की संस्कृति ही राज्य की पहचान बने। जिला कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अनमोल रत्न थे। राम मंदिर आंदोलन में जेल जाने वाले पश्चिम सिंहभूम के आंदोलनकारियों को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आज सम्मानित किया गया। चाईबासा और चक्रधरपुर को मिलाकर 30 से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चाईबासा के बालमंडली सभागार में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक जैन सहित अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने सभी आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू परिषद के पश्चिम सिंहभूम के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो लोग जेल गए थे उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद अब राम मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने हम सभी राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे। सम्मानित होने वालों में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, भाजपा के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक जैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता और चाईबासा चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष ललित शर्मा, राजू चौबे, राजू सारंगी, दिलीप कुमार राम, बजरंग लाल चिरानिया, विजय कुमार सिंह, महेश कुमार सिंह, जितेंद्र नारायण सिंह, विजय कुमार सिंह, उदय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, कृष्णकांत गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, उमाकांत गुप्ता, संजीव कुमार, कमल किशोर खेतान, अशोक विजय वर्गीय, मनोज शर्मा, राजेश शर्मा, अशोक कुमार सिंह, जगदीश सुल्तानिया और सुधांशु राय शामिल हैं। जिला कमेटी द्वारा जेल यात्रा जो किए थे राम जन्मभूमि के आंदोलन के तहत आज उनको सम्मानित किया गया है। जो जेल यात्रा करके आए थे उनको अंग वस्त्र और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा यही कार्यक्रम आज बाल मंडली में हुआ। पश्चिमी सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से आज शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया और साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सिंहभूम के सदस्यों ने रविवार को चाईबासा में 2000 फेस मास्क का वितरण कर कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चाईबासा के एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। इस दौरान चाईबासा स्थित पोस्ट ऑफिस चौक, तांबो चौक, सदर बाजार और मुफस्सिल थाना चौक से गुजरने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थान पर नियमित रूप से मास्क के प्रयोग करने को कहा गया। इसके अलावा जिन राहगीरों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क मास्क प्रदान किया गया। मौके पर एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर ने फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि जागरूकता और सामूहिक प्रयास से कोरोना को हराया जा सकता है। फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर जागरूकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फेस मास्क से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। आज
फोटोग्राफर एसोसिएशन वेस्ट सिंहभूम के द्वारा जो ये मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पोस्ट ऑफिस शॉप पे, ये बहुत ही अच्छा इन लोगों के द्वारा एक उठाया गया कदम है। और ये साथ ही साथ वितरण के साथ साथ अच्छी बात यह है कि ये लोग साथ साथ उनको प्रेरित भी कर रहे हैं इस चीज़ को बराबर लगाए रखें। जैसे एक बार वितरण कर देना या एक बार पहन लेना अलग बात है, लेकिन हम लोग को यह भी उन लोग को साथ साथ निर्देश देना है कि वे हरदम इसको लगाए रखें। खासकर जब बोलते हैं तभी ज़्यादा रिस्क रहता है सामने वाले के संक्रमण का, लेकिन ऐसा देखा जाता है लोग ज्ञान के अभाव में जब बोलने लगते हैं तो मास्क हटा लेते हैं और उसके बाद लगा लेते हैं। आप जब चुप हैं तभी आप हटा भी सकते हैं, लेकिन जब बोलते होगा तो अनिवार्य रूप से लगाएं। यह बात निर्देश इन लोग के द्वारा भी दिया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहूँगा कि और सारी संस्थाएं भी इस तरह की पहल करें। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य गुलजार अहमद ने कहा कि फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्ट सिंहभूम के संरक्षक सह चक्रधरपुर के माननीय विधायक सुखराम उरांव ने कोरोना काल में जिस प्रकार लोगों की सहायता तन मन और धन से किया है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर एसोसिएशन भी अपना सामाजिक दायित्व निभा रहा है। एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य श्याम भूत ने कहा कि कोरोना को हराना है तो फेस मास्क तथा शारीरिक दूरी का पालन सभी को करना होगा। एसोसिएशन के सभी सदस्य एकजुट होकर अन्य सामाजिक कार्य करते रहेंगे। 19 अगस्त से फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में हम लोग ने ये मास्क वितरण शुरू किया है, और हमारे जो संरक्षक है विधायक सुखराम उरांव जी, उन्होंने जो कोरोना काल में जो कार्य किया है उनसे प्रेरणा लेते हुए हम लोग ने यह मास्क वितरण कार्यक्रम पूरे जिला में शुरू किया है। इससे पहले हम लोग ने करीब 1000 मास्क चक्रधरपुर में बांटा है, आज करीब 2000 मास्क चैमासा के विभिन्न चौक चौराहों में हम लोग बांटेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में हम लोग सोनवा, गोलकेरा, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, किरीपुरु, झिकपानी आदि जगहों में मास्क का वितरण करेंगे। कोरोना काल में मास्क काफ़ी ज़रूरी है और हम मास्क बांट करके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे SDO साहब भी, चैमासा के SDO साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने भी हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहित किया, ताकि उन्होंने कहा कि मास्क एक ऐसा है कोरोना काल का सबसे बड़ा गिफ्ट। COVID-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए, यहाँ आपको COVID-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहां आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। जायंट्स ग्रुप की ओर से सदर थाना और मुफस्सिल थाना में मास्क का वितरण किया गया। चाईबासा के सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क भेंट किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आम जनता के साथ साथ पुलिस विभाग के पदाधिकारी और जवान भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा की ओर से पुलिस को मास्क उपलब्ध कराया गया। जायंट्स ग्रुप के अध्यक्ष आफताब आलम ने कहा कि जिलावासियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर पुलिस की मदद के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। पुलिस के जवान सुरक्षित रहेंगे तो आम जनता को भी सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेगी।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 70 विद्यार्थियों को पश्चिम सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से सम्मानित किया गया। चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष नितिन प्रकाश, अधिवक्ता अनिल कुमार महतो और सरफराज खान के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। नितिन प्रकाश ने कहा कि प्रतियोगिता के इस युग में पढ़ाई का काफी महत्व हो गया है। अभी बच्चों ने पहली सीढ़ी पार की है, आगे और बेहतर करें इसके लिए अभिभावकों को भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मौसम बिहारी ने बताया कि विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने बच्चों से आगे और अच्छा करने की अपील की है। पश्चिम सिंहभूम जिला की GNM की बैठक सदर अस्पताल परिसर में हुई, जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी का नाम पश्चिम सिंहभूम जिला GNM स्वास्थ्य कर्मी संघ रखा गया। पूनम महतो को जिला अध्यक्ष, बिंदिया कुजूर, जूरीना और विनीता कुमारी को उपाध्यक्ष, सुचिता हाडांगा को महासचिव, मिनी एबिन नाग व ज्योति को सचिव और आराधना खलखो, अनीता कुमारी व अंजू पूर्ति को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कामराहातु ग्राम सभा और बुद्धिजीवी मंच के सदस्यों ने गांव में सामुदायिक भवन और लाइब्रेरी भवन बनवाने की मांग को लेकर मुंडा बिरसा देवगम के नेतृत्व में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पेयजल आपूर्ति और बंद पड़े चूना पत्थर खदान के पानी के सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की मांग को भी दोहराया। विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि लाइब्रेरी भवन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र और वीर बिरसा यूथ क्लब बैधमारा की ओर से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत व्यायाम और योगासन किया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा योग आसन और व्यायाम करके लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के वॉलेंटियर सुर सिंह बांदिया द्वारा यूथ क्लब को फुटबॉल नेट प्रदान किया गया। पश्चिम सिंहभूम जिले में रविवार को 41 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह जिले में कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1057 हो गई है। चाईबासा में 12, चक्रधरपुर में 17 और इसके अलावा नुआमुंडी, बड़ा जामदा और गोयलकेरा में संक्रमित व्यक्ति रविवार को पाए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। चक्रधरपुर में 2 करोड़ की लागत में बना पार्क 2 महीने में हुआ बदहाल। खरसमा विधायक दशरथ गागराई ने निर्माण कार्य पर उठाया सवाल। आंदोलन में जेल जाने वाले चाईबासा के आंदोलनकारियों को विश्व हिंदू परिषद ने किया सम्मानित। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने 2000 लोगों के बीच किया मास्क का वितरण, कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर आऊंगी आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।